जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि जितना हम लोग उम्मीद किए थे कि तेजी देखने को मिलेगा, उतना तेजी देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि जो दूसरे तमाम पेनी स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और शेयर मार्केट भी इन दिनों बूम पर है। उसके बावजूद इंडियन इंफोटेक्स में शानदार तेजी देखने को नहीं मिल रहा है। जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने इस स्टॉक में पैसा लगाया है, उनके लिए एक बड़ी चिंता की बात है। तो उसी चिंता को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। बस आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और मैं आपको दावा करता हूँ वीडियो के समाप्त होने से पहले आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि स्टॉक में क्या करना है, बने रहना है कि एग्जिट कर जाना है। देखिए अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखेंगे तो 1.45 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है, जबकि पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह हम देखेंगे इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिले। 15% के आसपास स्टॉक चढ़ गया है और पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में भी स्टॉक में तकरीबन 6% के आसपास आपको शानदार तेजी देखने को मिला है। जबकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब आप एक वीक और जब आप एक मंथ की बात करते हैं तो उस दोनों में यह स्टॉक में तेजी देखने को मिले। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि एक सप्ताह और एक मंथ दोनों के चार्ट पैटर्न जो आप देखते हैं, दोनों का ग्राफ देखते हैं, तो उसमें भी यह स्टॉक में ग्रीन ही देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर रेड निशान नहीं है, यहाँ पर स्टॉक बुलंदियों पर दिखते हुए मिलेगा। हालांकि पिछले 6 महीने में जरूर यह स्टॉक निगेटिव में आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन 40% के आसपास स्टॉक टूटा है। तो आपको पता है कि तेजी तो अभी आना शुरू हुआ है, ये गिरावट तो लंबे समय से स्टॉक में चल रहा था, लेकिन ये जो अप्रैल का मंथ है यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस आपको उठते हुए दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे ये रहा इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी। ये आपको पता है कि एक NBFC कंपनी है। NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक की तरह काम करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और लोन जब देती है तो इससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे इन कंपनियों को कमाई होता है, ये कंपनी चलती है। नाम में सॉफ्टवेयर भले लगा है लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है, ये कंपनी जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है और जो इंटरेस्ट मिलता है उससे इस कंपनी का कमाई होता है। यानी कि NBFC में यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में कंपनी आपको ट्रेडिंग करते हुए दिखेगी। ये तो इस कंपनी का काम हो गया। फंडामेंटल की यदि बात करें तो फंडामेंटल आपको पता है कि तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की कंपनी। हालांकि पहले ये मार्केट कैप इस कंपनी का ज़्यादा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट के जो शेयर होता है कंपनी को, उसके बढ़ने या घटने से कंपनी का वैल्यूएशन भी घटता बढ़ता रहता है। तो अभी इसका मार्केट कैप कम होकर 146 करोड़ के आसपास हो गया। और जैसे मैंने बताया कि अब इस स्टॉक में तेजी देखने को मिला तो इस तेजी की बदौलत शेयर प्राइस जब बढ़ेगा तो फिर से इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया आपको कि 1.45 रुपये है और बुक वैल्यू से शेयर प्राइस कम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। बुक वैल्यू 2 रुपये 2.5 रुपये के आसपास है लेकिन शेयर प्राइस 1.5 रुपये के आसपास है। ये एक चिंता की बात है। चिंता की बात सिर्फ यही नहीं है, चिंता की बात ये भी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लूड यह भी काफ़ी कम है, 1% से भी कम है। यानी कि ये एक मतलब निगेटिव साइन दर्शाता है। और स्टॉक का PE देखेंगे तो 1000 के पार चल रहा है, यानी कि किसी भी वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता नहीं है। ये अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कंपनी अभी बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि काफ़ी महंगा है इस कंपनी का जो मतलब इस कंपनी का फंडामेंटल और जो शेयर प्राइस। अब यहाँ पर देखेंगे ये रहा इस कंपनी के 1 साल का चार्ट। 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो लंबी अवधि में 1 साल में आप देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे ही आया है और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट लिया है, जो कि इसको कह सकते हैं कि 1.30 रुपये के आसपास का ये लेवल है। और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर प्राइस मतलब देखेंगे W टाइप का यहाँ पर बनाया है, और जब W बनता है तो माना जाता है कि इसमें तेजी आएगी। लेकिन ये जो W का जो डबल वाला ये जो लाइन होता है इसको ऊपर निकलना चाहिए, और ये कहाँ से ऊपर निकलना चाहिए, ये जो आप लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर निकलना चाहिए। यानी कि आपको ध्यान देना है इस लेवल पर। इस लेवल ये कौन सा लेवल, 1.5 रुपये के आसपास का लेवल है। 1.5 रुपये के लेवल को पार करने के बाद यदि प्राइस कुछ दिनों तक ऊपर सस्टेन करता है तब जल्दी आपको ये प्राइस 2 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, और फिर ये जो 2.5 रुपये का लेवल है, ये जो 2.5 रुपये का लेवल है यहाँ तक जाते हुए दिखेगा। यानी कि अभी इसके लिए दो दो मेजर रेजिस्टेंस है, 1 2 रुपये और 1 2.5 रुपये। मतलब 2 रुपये के लेवल को यदि पहले ब्रेक कर लेता तो इजीली आपको 2.5 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। और जो लोग इस लेवल के अंतर में फंसे हुए हैं वो क्या कीजिएगा कि यदि 2 रुपये के आसपास जाता है तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 2.5 रुपये वाले क्या करेंगे, 2.5 रुपये के आसपास तक अपना इंतजार कर लेंगे। लेकिन यदि नहीं वहाँ तक पहुँचने में समय लेता है तो ज़्यादा इसमें समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडियन इंफोटेक का बिजनेस समझ में नहीं आता है, क्योंकि नाम कुछ और है, काम कुछ और है, और अभी तक कंपनी NSE पर भी लिस्ट नहीं हुई है। और फंडामेंटल भी जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ खास इस कंपनी का बढ़िया है नहीं। यदि क्वार्टरली रिजल्ट मजबूत होता है, धीरे धीरे हर क्वार्टर टू क्वार्टर इस कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आता है, तब माना जाता है कि फंडामेंटल मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो आप पाएंगे कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पर देखिए पिछले 3 क्वार्टर से सेम ही रह रहा है, 2.5 करोड़ के आसपास। यानी कि सेल्स बढ़ नहीं रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। ये दिसंबर क्वार्टर में कम हो गया है, जबकि इसके पहले क्वार्टर में ज़्यादा था और उसके पहले क्वार्टर में और ज़्यादा था। यानी कि पिछले 3-3 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट कम होता जा रहा है। यानी कि सेल्स नहीं हो रहा है तो इसके बदौलत कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो इंडियन इंफोटेक में अभी ये रिस्की स्टॉक है, इसमें ज़्यादा समय तक बने रहना आपके लिए और खतरनाक हो सकता है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलता है तो आप इस स्टॉक में प्रॉफिट अपना बुक करके बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इंडियन इंफोटेक के बारे में जो बात मैं आपको बताया
है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।